Hello everyone, welcome to our channel. This is Purvija, your biology mentor, and today we will study about the remaining phases of meiosis. हम लोग मेटाफेज वन तक लास्ट वीडियो लेक्चर में बात कर चुके थे. आज हम पढ़ने वाले हैं एनाफेज वन के बारे में. ठीक है, तो देखिए एनाफेज वन में क्या होता है. पहले मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ, मेटाफेज वन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो मेटाफेज प्लेट पे आकर के अरेंज हो गए थे. और कैसे अरेंज हुए थे, डबल लेयर में अरेंज हुए थे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि बायवेलेंस या सिनेप्सिस में जो क्रोमोसोम थे उनका अरेंजमेंट हुआ था. ठीक है, तो अब तुम याद करो कि प्रोफेज जो माइटोसिस में एनाफेज आती है, माइटोसिस की एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो इक्विटोरियल प्लेट पे थे अब वो एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, तो एनाफेज में भी क्या होगा, सेपरेशन होगा. एनाफेज में भी सेपरेशन होगा लेकिन थोड़ा अलग तरह से होगा. ठीक है, अब अगेन हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए. ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मेटाफेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हुए थे पेयर में, ये जो पेयर्स हैं वो पेयर बेसिकली सेपरेट हो जाएगा और क्रोमोसोम का नंबर एक्चुअली में एनाफेज वन के बाद हाफ हो जाता है, क्योंकि आधे क्रोमोसोम एक साइड पे एक पोल पे चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल पे आ जाते हैं. तो हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम मूव टू ईच पोल, आधे ऊपर आधे नीचे. तो बेसिकली जो हम मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते थे ना, वो एक्चुअल रिडक्शन जो क्रोमोसोम का है वो कहां होता है, एनाफेज वन के बाद रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स. लेकिन क्या होता है, हर क्रोमोसोम जो है वो अभी भी जो अपने अपने पोल पे क्रोमोसोम पहुंच गया है, बट स्टिल हर क्रोमोसोम के पास अभी भी डबल जो है क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये सारी चीजें चलिए हम डायग्राम से समझते हैं. यहां पे क्या होगा, तो मैंने आपको माइटोसिस के एनाफेज में बताया था कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उसमें शॉर्टनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है. और शॉर्टनिंग कहां से होगी, इस तरफ से होगी. ठीक है, ऊपर की तरफ सेंट्रियोल जहां पर है, तो क्रोमोसोम में शॉर्टनिंग होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से अब देखो क्या है, ये है तुम्हारे होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है और ये पूरा दूसरा क्रोमोसोम है. ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज थे, इस तरह अरेंज थे. तो इस क्रोमोसोम के ऊपर ऊपर से स्पिंडल अटैच था और इस क्रोमोसोम पे नीचे से स्पिंडल अटैच था. जब इन स्पिंडल फाइबर्स में शॉर्टनिंग हुई, जब ये छोटे होने लगे, तो इनमें खिंचाव आया. खिंचाव की वजह से इन क्रोमोसोम के ऊपर एक फोर्स जनरेट हुआ. और होता क्या है कि अब क्योंकि एक क्रोमोसोम से एक ही स्पिंडल, एक ही साइड पे स्पिंडल अटैच है, ये मेजर डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस का. कि यहां क्या हो रहा है देखो, अब जब ऊपर से इसको स्पिंडल खींचेगा तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा, और इसको नीचे से स्पिंडल खींच रहा है तो ये नीचे के साइड जाने लग रहा है. ठीक है, तो दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से, ये कैसे क्रोमोसोम थे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे. ओके, तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर में थे, अब ये पेयर में से एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं, क्योंकि इसके स्पिंडल फाइबर्स इसको अपने अपने पोल की तरफ खींच रहे हैं. तो बेसिकली अब देखो, आधे क्रोमोसोम ऊपर चले जाएंगे और आधे क्रोमोसोम नीचे आ जाएंगे, तो 23 क्रोमोसोम पहुंच गए ऊपर, 23 क्रोमोसोम पहुंच गए नीचे. ये 23 में यूज कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू ह्यूमन. ठीक है, क्योंकि ह्यूमन में क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है, तो उसके आधे हैं 23, 23 ऊपर चले जाएंगे, 23 नीचे आ जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन होना. ठीक है, अब इस चीज को डायग्राम में देखते हैं कि क्या होगा. इस तरह से ये यहाँ पे क्रोमोसोम है ये पूरा, ओके, जो ये सेपरेट हो रहे हैं ये क्रोमोसोम है, दे आर नॉट क्रोमैटिड्स. लेकिन स्टूडेंट्स, माइटोसिस की एनाफेज में क्या हुआ था,
मैं उसका भी डायग्राम बनाती हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाओ। माइटोसिस के एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते, वहां पे क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम क्रोमेटिड क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बात की हुई है। यहाँ पे ऐसे हो रहा था कि एक ही क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड होते हैं ना, वो अलग हो जाते थे एक दूसरे से, तो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो इक्वल ही रहता था दोनों डॉटर सेल में। ये तो होता था एनाफेज ऑफ माइटोसिस। और ये हो रहा है एनाफेज वन ऑफ मियोसिस वन। तो अब आराम से कंपेयर करो ना, यहां तो अभी भी ऊपर 46 क्रोमोसोम ही जाएंगे और नीचे 46 क्रोमोसोम ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2n का 2n ही रहेगा। और लेकिन जो 4c हुआ था, ये 4c क्या होता है ये भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, जाके देख लो। 4c यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि ऊपर गए हैं हाफ क्रोमोसोम और नीचे गए हैं हाफ क्रोमोसोम, यहाँ क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं हुआ, यहाँ क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पे हाफ ऑफ क्रोमोसोम है और यहाँ हो जाएगा 2n का n। 2n का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, 2n का n हो गया। लेकिन जो क्रोमोसोम का कंटेंट है या जो अमाउंट है डीएनए का, वो अभी भी डबल ही है, क्योंकि अभी भी देखो एक क्रोमोसोम पे दो क्रोमेटिड है। ये क्या है, एक क्रोमोसोम पे दो क्रोमेटिड, समझ में आ रही बात। तो होमोलोगस क्रोमोसोम तो सेपरेट हो गए, मगर उस होमोलोगस क्रोमोसोम में अभी भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो रखा है। और ये डबल कब हुआ था, दो क्रोमेटिड है ना, मतलब डबल है। ये डबल कब हुआ था, जब एस फेज में यानी सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था उस टाइम। इन दोनों क्रोमेटिड को भी हम अलग करवाएंगे, लेकिन मियोसिस टू में अलग करवाएंगे, ठीक है। अभी ऐसा ही होता है। तो जो 4c है, डबल है, वो 4c ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट टीलोफेज वन। सो स्टूडेंट्स, एनाफेज वन के बाद टीलोफेज वन आएगा, एंड टीलोफेज वन इज द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस वन, ओके। यहाँ क्या होगा, अब देखो सेपरेशन हो गया है, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि जब प्रोफेज वन शुरू हुई थी तो क्रोमोसोम जो थे वो कंडेंस होना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। लेकिन टीलोफेज तक आते आते, मतलब टीलोफेज में आने के बाद, जो क्रोमोसोम है वो वापस से डीकंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे। और वो कैसे, पहले वो कैसे हो रहे थे, वो थिक होते थे और स्मॉल हो रहे थे ताकि उनकी क्लियर स्ट्रक्चर विजिबल हो सके, लेकिन अब वो वापस से अनकॉइल और लॉन्ग होना स्टार्ट कर देंगे। तो क्रोमोसोम का अराइवल हो चुका है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच चुके हैं। क्रोमोसोम वापस से, क्योंकि अब तो क्रोमोसोम की प्रॉपर शेप की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो वो अगेन वो कॉइल वाला स्ट्रक्चर ले लेगा। क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल होने लगेगा एंड दे गेट इलोंगेटेड, मतलब ये वापस से लॉन्ग और इलोंगेटेड होना स्टार्ट कर देंगे। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, ये सब फिर से रीअपियर होना शुरू हो जाएगा। और देखो एक सेल के अंदर हमारे पास ये दोनों उसके रिस्पेक्टिव पोल पे ये क्या बन जाएंगे, टू डॉटर न्यूक्लियर। एक्चुअल में मैं इन्हें अगर ऐसा बोलूं ना कि टू डॉटर हैप्लोइड न्यूक्लियर तो ज्यादा सही है, हैप्लोइड न्यूक्लियर, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये हैप्लोइड है, इनमें क्रोमोसोम का नंबर कैसा है, हाफ। इन दोनों न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का नंबर है हाफ। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी टीलोफेज वन, और टीलोफेज वन के तुरंत बाद सेल किस में एंटर कर जाएगी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य में विभाजन। कोशिका द्रव्य में विभाजन के बाद भी फाइनली क्या होगा, एक मदर सेल से दो हैप्लोइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा।
अगर प्लांट सेल होंगे तो साइटोकाइनेसिस कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट। और अगर एनिमल सेल होगी तो साइटोकाइनेसिस कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग और क्लीवेज फरो। वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होती है इसको हम लोग क्लीवेज फरो भी बोलते हैं। फरो का मतलब होता है ऐसे गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब दरार सी आना। तो क्लीवेज फरो या कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एनिमल में, लेकिन प्लांट में सेल बार या सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको ये मैं क्या बोल रही हूँ सेल बार सेल प्लेट ये समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरा पिछला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है मियोसिस वन। मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगा, ये एक सेल है, फाइनली इसमें भी डिविजन हो जाएगा साइटोकाइनेसिस में और ये दो डॉटर सेल बन जाएंगी जो हैप्लॉइड होंगी, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा। और अब हम बात करते हैं मियोसिस के, मियोसिस सेकंड के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, जो मियोसिस सेकंड है वो एग्जैक्टली सिमिलर है टू माइटोसिस। अगर आपने माइटोसिस पढ़ा है और अगर आपको माइटोसिस समझ आता है तो अब आप सोच लो कि मियोसिस सेकंड में कोई भी फर्क नहीं है, ये सेम माइटोसिस की जैसा है, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन जो होना था क्रोमोसोम में वो मियोसिस वन में हो चुका। तो अब यहाँ पे जो स्टेजेस आएंगी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, ये बिल्कुल सेम होगी माइटोसिस की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं होगा। प्रोफेज में तो क्या होगा कि जो क्रोमोसोम थे वो अगेन अपनी प्रॉपर शेप में आना स्टार्ट हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप ये सब डिसअपीयर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स बनने लगेंगे, सेंट्रियोल ड्यूप्लीकेट करेगा और दोनों पोल पे चला जाएगा। मैं जस्ट ऐसे ही रिवाइज करा रही हूँ, अदरवाइज आप माइटोसिस का वीडियो देख सकते हो जाके, मियोसिस सेकंड को अगर पढ़ना है तो बिल्कुल सेम है। मेटाफेज टू में क्या होगा, क्रोमोसोम जो होंगे वो पेयर वेयर कुछ भी नहीं बनाएंगे, यहाँ पे सिंपली अपने जो बीच वाला प्लेट होता है मेटाफेज प्लेट उस पे आकर के नॉर्मली अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, और एक क्रोमोसोम के दोनों तरफ स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा दोनों पोल से। एनाफेज सेकंड में जो क्रोमोसोम है वो एक सिंगल लाइन में अरेंज होंगे और जब वो सेपरेट होंगे तो उनके फाइनली क्रोमेटिड्स भी अब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे इस तरह से। तो ये क्रोमेटिड का सेपरेशन बच गया था ना मियोसिस वन में, वो एनाफेज सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। और अल्टीमेटली टीलोफेज में क्या होगा, एक सेल में दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा और टीलोफेज सेकंड के बाद क्या आ जाएगी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जब आ जाएगा तो फाइनली जो एक सेल है वो उससे फिर दो सेल्स बन जाएगी। तो इस तरह से अब क्योंकि ये डिवीजन दो सेल में चल रहा था, मियोसिस वन के बाद दो सेल बनती है ना, तो अब इन दो सेल से अल्टीमेटली फाइनली कितनी डॉटर सेल्स बन रही हैं, फोर डॉटर सेल्स, चार डॉटर सेल्स जो कैसी हैं, हैप्लॉइड। यहां तक आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है सेल डिवीजन। माइटोसिस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मियोसिस वन और मियोसिस टू भी अब कंप्लीट हो चुका है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात करी थी क्रॉसिंग ओवर के बारे में। देखिए क्रॉसिंग ओवर के लिए एक चीज याद रखना, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रहा है तो हमेशा आंसर आएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। ये लाइन में पता नहीं वीडियो में कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, तो अभी तक तो तुम्हें रट चुका होगा कि क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। मगर उसमें भी देखो ये हटा देते हैं, ये तो समझ आ ही गया है सारा। हाँ तो इम्पोर्टेंट लगा मुझे बताने के लिए, इसलिए मैं इस वीडियो लेक्चर में इसको फिर से बता रही हूँ।
तो क्रॉसिंग ओवर इसी तरह होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं कहीं कहीं से, और वो अपनी जीन्स को एक्सचेंज करते हैं। इसका कोई टुकड़ा टूट के यहाँ चला गया और इसका कोई टुकड़ा टूट के यहाँ आ गया, ऐसा ही होता है। मगर ये देखो क्रॉसिंग ओवर किस में हो रहा है, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम के देखो एक क्रोमोसोम के ये जो क्रोमैटिड है ना, दोनों क्रोमैटिड, इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है ये दोनों क्रोमैटिड, तो ये बहने हैं, ठीक है, सिस्टर्स है ये। लेकिन दो अलग अलग क्रोमोसोम की जो क्रोमैटिड है वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, तो उसका कंप्लीट आंसर ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी क्रोमोसोम के बीच में होता है, तो आप बताएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मतलब जो बहने नहीं है, एक क्रोमैटिड इस वाले की और एक क्रोमैटिड इस वाले की, ठीक है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा कुछ कंप्लीट हो गया डिवीजन वाला, अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। देखिए जो मियोसिस है ना वो रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल में होता है और इससे गैमीट्स बनते हैं। ये क्या करता है, ये स्टेबिलिटी लाता है इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है कि जब मेल गैमीट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी कि एग, तो बेसिकली ये क्या है स्पर्म यानी शुक्राणु और ये क्या है एग यानी अंडाणु। जब स्पर्म और एग में फ्यूजन होगा, जब ये दोनों फ्यूज करेंगे, जब इनमें फ्यूजन होगा तो इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, और इस जाइगोट से ही कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ही मियोसिस की वजह से कैसे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो स्टेबल रह रहा है, क्योंकि हर स्पीशीज में हर स्पीशीज अपने क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन रखती है। ह्यूमन में अगर 46 क्रोमोसोम है तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनमें भी 46 क्रोमोसोम ही होगा। अगर इससे कम या ज्यादा हुआ तो या तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा, या तो फिर वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या वो ह्यूमन है, बेबी है, वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम का नंबर हमारे अंदर 46 होता है। और आपको पता है कि ये जो गैमीट्स हैं स्पर्म और एग, इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, आधा यानी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23, ठीक है, 23। जब इन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका फ्यूजन होगा ही होगा, तो जब इन दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो 23+23 क्रोमोसोम मिलके वापस से क्रोमोसोम का नंबर कितना बना देंगे, 46। और इस तरह से फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा वहां पे अगेन क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा 46, और इसी जाइगोट से पूरा का पूरा डेवलपमेंट होगा। तो अब समझ आया कि क्रोमोसोम के नंबर में स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन हो रही है। अगर यहाँ 46 और 46 होते और वो जुड़ जाते तो जो जाइगोट होता वो कभी सर्वाइव ही नहीं करता। तो किसी भी स्पीशीज में वो अपनी पॉपुलेशन के नंबर को मेंटेन बनाए रख रहा है, कैसे, क्योंकि उसके क्रोमोसोम नंबर में स्टेबिलिटी है, जो उसके ऑफस्प्रिंग है उनमें भी उतना ही क्रोमोसोम का नंबर है जितना कि उसके पेरेंट्स में था। तो ये वाला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद मियोसिस की वजह से, ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वेरिएबिलिटी आती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, क्योंकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर में दो क्रोमोसोम अपने जीन्स को एक्सचेंज करते हैं और इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, यानी कि कुछ वेरिएशंस आते हैं।
और ये वेरिएशंस आना बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि वेरिएशंस ही इवोल्यूशन का आधार माना जाता है कि जो इवॉल्व हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे उसमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। एकदम से तो इवोल्यूशन हो नहीं जाएगा, ठीक है, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होती है ये, तो वेरिएशंस इवोल्यूशन का आधार है, ठीक है। जब वेरिएशन आएंगे तो उसी वजह से धीरे धीरे इवोल्यूशन के चांसेस होंगे, ओके। क्योंकि वेरिएशन का मतलब होता है कि कुछ न्यू जेनेटिक कैरेक्टर्स का डेवलप होना। पता है अगर हम लोगों में वेरिएशंस नहीं होते, हम सारे ह्यूमन है, सब में वही बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी टाइप है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अलग अलग है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम सब एक दूसरे के क्लोन है और हमारी शक्लें बिल्कुल सेम है, ठीक है। हमारे कुछ कैरेक्टर हमारी मदर से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर हमारे फादर से मिलते हैं, ऐसा ही होता है सबके साथ, ठीक है। तो वो, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो तुम्हारे खुद के हैं, वो किसी से मैच नहीं हो रहे हैं, वो तुम्हारे कुछ न्यू डेवलप्ड कैरेक्टर्स हैं। और वो कैरेक्टर कैसे डेवलप हुए, वो डेवलप हुए वेरिएशन की वजह से, और वेरिएशन क्यों आया, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्रॉसिंग ओवर कहाँ हुआ था, मियोसिस में, और मियोसिस की वजह से ही गैमेट बने थे, गैमेट में फ्यूजन से ही जाइगोट बना और जाइगोट से ही तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो ये पूरी कहानी समझ आई अच्छे से, आई होप आई होगी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। तो यहाँ पे आपका सेल डिवीजन फाइनली कंप्लीट हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, इसके नोट्स बनाइएगा एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या फिर लिख लीजिए इसे। एंड थैंक यू सो मच गाइस एंड कीप वॉचिंग।